क्या आपकी एज 55 साल से ऊपर है और क्या आप 60 साल की तरफ बढ़ रहे हो? क्या आपको लगता है कि कोई भी आपको अभी फैमिली में रिस्पेक्ट नहीं करता, प्यार नहीं करता, आपकी तरफ ध्यान नहीं देता और आपकी वैल्यू लाइफ में कोई भी रह ही नहीं गई? तो ये वीडियो है आपके लिए दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि जैसे आपकी एज प्रोग्रेस होती है और उसके जो चैलेंजेस आते हैं, आप अपनी लाइफ ओल्ड एज के अंदर भी अच्छे ढंग से कैसे जी सकते हो और कैसे आप हैप्पी रह सकते हो। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी तीन तरह की एज होती है, पहली है क्रोनोलॉजिकल, सेकेंड है बायोलॉजिकल है और थर्ड है साइकोलॉजिकल। तो क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो डेट लिखी है उसके हिसाब से आज जो आपकी एज है 60-65 जो भी है वो आपकी रियल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज। जो आपकी बायोलॉजिकल एज है वो जो है आपकी बॉडी के हिसाब से कि आप कितने हेल्दी हो, कि आप चल पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, आप वॉक कर पा रहे हो, आप डेली एक्टिविटीज कर पा रहे हो, आप कितने हेल्दी हो, कितनी आपको बीमारियां हैं नहीं है, ये है आपकी बायोलॉजिकल एज। और जो आपकी साइकोलॉजिकल एज है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या आप अपने आप को बूढ़ा सोचते हो, क्या अपने आप को ओल्ड मानते हो, क्या आप अपने आप को ये मानते हो कि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। आप एग्जांपल ले लीजिए मिल्खा सिंह का, क्या वो अपने आप को बूढ़ा समझते हैं? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लोग 100 के ऊपर भी हो गए और उन्होंने लाइफ में हिम्मत नहीं हारी, उनके अंदर लाइफ में बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होगी, जरूर हुई होगी, पर उन्होंने अपने आप को अंदर से साइकोलॉजिकली कभी भी बूढ़ा नहीं समझा, इसलिए वो अपनी लाइफ में हैप्पी है। एज के बढ़ने के प्रोसेस को तो मैं भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते, ये तो प्रकृति की तरफ से तय है, लेकिन आपकी एज कैसे बढ़ती है और कैसे आपके ऊपर असर डालती है ये आपके हाथ में है और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं करके भी सब कुछ आपको मिल जाएगा तो ये कभी पहले भी नहीं हुआ। इसलिए ओल्ड एज में आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ज़रूर एक इंश्योरेंस कवर ले लीजिए जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर पाए। जैसे जैसे एज बढ़ती है कुछ बीमारियाँ ज़रूर आ जाती है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को एक मंदिर की तरह ट्रीट करोगे, टेम्पल की तरह ट्रीट करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी ने ही आपको हेल्प की है 55 या 60 साल आज तक निकालने के लिए, तो बॉडी को बोलिए थैंक यू। और आगे भी बॉडी का ध्यान रखने के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 45 मिनट से एक घंटा सुबह और शाम को मिलाकर अपने लिए एक्सरसाइज के लिए ज़रूर आप तय कर लीजिए। सुबह के समय में आप ट्राई करिए कि आप सनलाइट में सोक करिए, शाम को भी वॉक के लिए, रात को वॉक के लिए निकलिए। एक्सरसाइज फिजिकली करना, अपनी बॉडी को मूव करना, अपने जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना, ये बहुत 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 ज़रूरी है, इससे आप बिल्कुल भाग नहीं पाओगे और नहीं सकते। दूसरा है कि आपकी जो भी मेडिसिंस है जो चल रही है उन्हें टाइम टू टाइम लेना, टाइम टेबल के हिसाब से लेना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज पर ध्यान रखी है और न्यूट्रिशन पे भी ध्यान रखिए कि जो आप आज से 30 साल पहले 30 साल की उम्र तक जो जो चीज़ें आप खा रहे थे, जंक फूड खा रहे थे, आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, हफ्ते में एक बार खा सकते हो, पर रेगुलरली आपको घर के प्रिपेयर्ड हुए हेल्दी मील्स खाने ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी धीरे 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 स्लो होता जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड दो जो आपकी बॉडी को नरिश करे, हेल्प करे, सपोर्ट करे। थोड़ा सा जंक फूड चलेगा हफ्ते में एक बार, बट हेल्दी मील से भी मत भागी। नेक्स्ट आता है पैसा। पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ओल्ड एज के अंदर, जैसे मैंने बोला मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, इंश्योरेंस कवर ज़रूर लीजिए और कुछ एक्सपेंसेस के लिए कुछ ना कुछ आप सेविंग्स करके रखिए जो आपको मंथली रिकरिंग इनकम दे पाए आपके ज़रूरी घर खर्च के लिए, ताकि आप माइंड से पैसे के बारे में कंटिन्यूसली ना सोचो, आप कंटिन्यूसली वरी में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में ना रहो कि पैसा कैसे आएगा, घर कैसे चलेगा, ये सब टेंशन में ना रहो। इसलिए थोड़ा बहुत आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए कुछ ना कुछ सेटिंग करके रखिए। नेक्स्ट आता है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी तो हर एज ग्रुप में हमें रिक्वायर्ड है, पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है इसकी जो डिमांड है, नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको दिन का कुछ समय रिलैक्सेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए, धार्मिक कामों के लिए, कुछ रिलीजियस मंत्रा सुनने के लिए, आप कोई कोई टेम्पल में या कोई रिलीजियस प्लेस में जाने के लिए आपको ज़रूर फिक्स करने चाहिए, जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकता है, आपकी स्लीप को बेटर कर सकता है, आपकी ओवरथिंकिंग को कम कर सकता है और आपको जीवन में कोई उद्देश्य है ये फील करवा सकता है। नेक्स्ट आता है टाइम, जो है एक मनी के समान है, जो पैसे के समान है, और बहुत सारे दिन अगर आप ऐसे ही वेस्ट कर दोगे, हर एक दिन जब आप उठते हो वो कुछ बेहतर करने का आपको एक ऑप्शन मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए हर एक दिन को अच्छे तरीके से यूज़ करिए, हैप्पी रह के यूज़ करिए, अपनी पसंद की चीज़ें करके आप हैप्पी रहिए और उसके अंदर अपने जो जो काम आपको पसंद है, एक्सरसाइज है और रिलीजियस काम है, हर एक चीज के लिए एक टाइम टेबल सेट करिए। पूरे दिन सिर्फ लेजी बन के घर में मत बैठे रहिए, कोई ना कोई काम में अपने आप को एंगेज करके रखिए। अगली टिप है कि ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप दुनिया को नहीं चलाते हो, आपकी फैमिली
फैमिली में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, टेंशन मत लीजिए, आपने कोई मिस्टेक की टेंशन मत लीजिए, दूसरे लोग आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप दुनिया को नहीं चलाते हो, आपके बिना भी दुनिया पहले से चल रही थी, मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहोगे, उसके बाद भी दुनिया चलेगी, इसलिए इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो जाइए कि हर एक चीज आपके हिसाब से चलनी चाहिए, आप सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में आप कंसर्न रहिए, अपनी लाइफ को अच्छे से कैसे जीना है उसके बारे में आप ध्यान रखिए, पर बहुत ज्यादा आसपास के चीजों में बिल्कुल भी आप इन्वॉल्व मत होइए, इससे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है क्योंकि आपके तरीके से चीजें ना हो, आपके स्टाइल से चीजें ना हो, इसलिए अपने आप पे सारा फोकस लेके आइए। अगला आता है कि अगर आपको लगता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको पूछते नहीं है, आपसे बात नहीं करते, आपसे डिसीजन या आपसे एडवाइस नहीं लेते हैं, या आपकी वैल्यू कम हो गई है क्योंकि आप अर्न नहीं कर रहे, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, आपकी अब कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपके सिर्फ ख्याल है, आपके माइंड की उपज है, इसके अंदर कोई भी ट्रुथ नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी तरफ कम ध्यान दे रहे हैं, पर एक फैमिली को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है, अलग अलग लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होने लगती है, ध्यान एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन की तरफ ज़्यादा, क्योंकि शायद उसको ज़्यादा उस टाइम पर रिक्वायरमेंट है ध्यान की, और जो आप चीज़ें आप एडवाइसेस देते हो और समय के साथ साथ काम करने का तरीका बदलता जाता है, हो सकता है कि जो एडवाइस आज से 20 साल पहले लागू होती हो वो अब नहीं होती है, इसलिए आप इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए ये सब चीज़ों की तरफ, आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि आप अपना दिन अच्छे तरीके से एक हैप्पी वे से कैसे स्पेंड कर सकते हैं। और आखिरी में मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को डर होता है, मरने का डर होता है, फियर ऑफ डेथ होता है, डेथ तो ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी आप पैदा हुए उससे पहले ही आपने तय करके आप इस दुनिया के अंदर आए हो, और हर एक पर्सन है उसकी एक एक्सपायरी डेट है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप जिंदा हो, जो भी एज आपने जी है 60 इयर्स तक आप अब तक हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो पहले तो थैंक यू होइए, आप अपने क्रिएटर से गॉड से थैंक यू बोलिए कि आपको उसने 60 इयर्स की लाइफ जीने का मौका दिया और आगे भी वो आपको मौका दे रहा है, इसलिए हमेशा कंप्लेन मोड में लाइफ में मत रहिए कि सब कुछ खराब है, कुछ अच्छा नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, हमेशा मेरे साथ बुरा हुआ, आप अभी जिंदा हो, ये वीडियो देख रहे हो और कुछ अच्छी खासी हेल्थ में हो, उसका मतलब है कि आपकी लाइफ अच्छी गुजरी है, अच्छी है और आगे भी अच्छी जा सकती है अगर आप चाहो तो। तो दोस्तों ये वीडियो था इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।